दोस्तों, अगर आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, डायरेक्टर ऑफ पिक्चर्स यानी डीओपी बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा कि आप कैमरामैन कैसे बन सकते हैं, आप डीओपी कैसे बन सकते हैं, आप कैमरामैन के असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आज इस वीडियो के जरिए दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी, मिस्टर चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो। मैं हूं दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, डायरेक्टर। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैमरामैन कैसे बनते हैं। बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे रिसेंटली, अगर मैं बात करूं, मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें भी एक बच्चे ने कमेंट किया कि मुझे कैमरामैन बनना है, मुझे डीओपी बनना है, उसके लिए मैं क्या करूं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स ऑलरेडी पहले भी थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक पर अच्छे से आपको समझा दूं कि अगर आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करें जिससे आप कैमरामैन बन जाएं अच्छे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कैमरामैन बनने के लिए कोर्स भी होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, लेकिन उसमें कुछ खर्चा आता है, कुछ हज़ारों में लेते हैं, कुछ लाखों में लेते हैं, राइट। तो ये अलग अलग एक सिस्टम है। एक तो सिंपल सा फंडा है कि आप अगर किसी के पास इंस्टीट्यूट में जाकर सीखने जाते हैं कैमरामैन बनने के लिए, डीओपी बनने के लिए, तो आपको एक कोर्स दिया जाएगा, वो कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा, साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। आप उसकी स्टडी करते हैं, 2.5 साल 3 साल एक कैमरामैन बन जाते हैं। लेकिन ये तो हो गया पहला तरीका, और इसके लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। हो सकता है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हों जो ये सोचते हों कि हमें इंस्टीट्यूट में जाकर सीखने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो हमें कोई और तरीका बताओ। आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ये तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरा मानना ये है कि स्टडी भी अपने लेवल पर ठीक है, लेकिन एक जो मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूँ, वो तरीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बेहतर है एक कैमरामैन, एक डीओपी बनने का। क्योंकि मैं बहुत सारे डीओपीज को मिलता हूँ, मैंने जब उनसे चर्चा की, बात की, तो जैसे जैसे उन्होंने अपने अपने स्टेप्स बताए कि हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। वो एक्सपीरियंस जो डीओपीज के साथ बात करने से मुझे मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आप इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप एक कैमरामैन बनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आपको कैमरे के बारे में पता होना चाहिए। ये जानकारी आपको YouTube आसानी से दे देगा। आप YouTube पर जाएं, कोई भी कैमरा सर्च करें, कैमरे के फीचर्स आपको वहाँ YouTube पर बहुत सारे जो कैमरामैन होंगे उनकी वीडियोस में आपको दिख जाएंगे। बेसिक नॉलेज आपको जब हो गई, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मुंबई में आए हैं और मुंबई में काम करना चाहते हैं, कैमरामैन बनना चाहते हैं, तो आप जाएं कैमरा रेंटल हाउसेस में। कैमरा रेंटल हाउस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जहाँ फिल्में बनती हैं, जितने भी सीरियल्स बनते हैं, इनके पास खुद के कैमरेज नहीं होते, प्रोडक्शन के पास, ये रेंट पर ही लेकर आते हैं। बहुत कम चांस होता है कि प्रोडक्शन के पास खुद का कैमरा हो, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, तो ये रेंट पर मिलते हैं, रेंट पर दिए जाते हैं, और ये रेंट पर देते हैं कैमरा रेंटल हाउस। ये एक हाउसेज हैं जो गोरेगांव वेस्ट में बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं मलाड से लेकर बांद्रा तक, तो उसके बीच जितने भी दरमियान ईस्ट और वेस्ट एरियाज आते हैं, तो वहां पर आपको कैमरा रेंटल हाउसेस अनगिनत मिल जाएंगे। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं उनके नाम, और आप उनके एड्रेसेस पर जा सकते हैं। कुछ नाम बता देता हूँ आपको कैमरा रेंटल हाउस के, मीडिया वर्क्स, स्पार्क वीडियो, प्राइम फोकस, तो ये बहुत सारे हैं। ये मैंने सिर्फ 2-3 नाम बताए हैं आपको, सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए। बहुत सारे हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कैमरा रेंटल हाउस इन मुंबई, तो आपको काफ़ी एड्रेसेस मिल जाएंगे। कैमरा रेंटल हाउसेस में जाकर करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने अपना एक रिज्यूम लेकर जाना है और उनको बोलना है कि मुझे अटेंडेंट बनना है, राइट, अटेंडेंट की जॉब चाहिए। तो आपको 1-1.5 महीना, हो सकता है 2 महीने फ्री में काम करना पड़े, लेकिन आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर आपको 1-1.5 महीने बाद, हो सकता है आपकी सैलरी लगा दी जाए, जिससे आपका खर्चा जो होगा वहाँ रहने का, खाने का, वो आपका निकलना शुरू हो जाएगा। अटेंडेंट बनेंगे तो आप कैमरे के आसपास रहेंगे, आप कैमरे को छू सकेंगे, आप कैमरे को देख सकेंगे, आप कैमरे की फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे, और आप कैमरा मैन के बिल्कुल साथ होंगे।
मैं आपको बता दूं कि कैमरामैन, फॉर एग्जांपल अगर किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है तो एक कैमरामैन के साथ 3 असिस्टेंट होते हैं। एक जो होता है वो ग्राफिक्स देखता है, लाइटिंग देखता है, एक जो होता है वो फोकस पुली देखता है, एक जो होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि अगर कैमरामैन नहीं है यानी डीओपी नहीं है तो वो जो होगा वो डीओपी का काम संभाल कर सारी शूटिंग कर लेगा। ये उनके पास अथॉरिटी होती है। ये 3 तरह के होते हैं। और अगर आप पहले तीसरे नंबर पर भी आते हैं, राइट, अगर आप पहले तीसरे नंबर पर भी आते हैं सिर्फ लाइटिंग ठीक करने, लाइटिंग के लिए आपको रखा जाता है, तो फिर भी आप कैमरे के आसपास रहेंगे और कैमरा मैन के साथ रहेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आप 1-1.5 साल में एक अच्छे कैमरा मैन बन जाएंगे। आप एक अच्छे डीओपी लाखों रुपए कमा सकते हैं। सच में कह रहा हूँ कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं डीओपी बन के, क्योंकि फिल्म लाइन में जो बड़े इंडस्ट्री के लेवल के डीओपीज होते हैं उनकी लाखों रुपए की पर डे होती है। तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने के। तो आपको मैं तभी बोल रहा हूँ कि आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखने की बजाय प्रैक्टिकल वर्क करें। देखिए, या तो पैसे खर्च करेंगे या समय खर्च करेंगे। पैसे हैं तो पैसे खर्च करें, अगर पैसे नहीं हैं तो अपना समय खर्च करें, क्योंकि समय भी आपका मनी ही होता है। तो आप पॉइंट समझें कि अटेंडेंट आपने बनना है, तो पहली सीढ़ी तो ये होगी। अगर आप अटेंडेंट बन जाते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप कैमरामैन के असिस्टेंट बन जाते हैं, राइट। मैं सच बोल रहा हूँ कि कैमरामैन के असिस्टेंट बन जाते हैं। जब आप कैमरामैन के असिस्टेंट बन गए तो समझ लीजिए कि आपकी सैलरी हज़ारों में बट बहुत अच्छी होगी। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, 25-30 हज़ार सैलरी आराम से होगी, शायद ज़्यादा ही। तो असिस्टेंट डायरेक्टर आप बन गए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए आप। उसके बाद आप कैमरामैन के साथ हैं, कैमरा की सारी फीचर्स जो हैं वो आपको पता चल गई, अलग अलग तरह के कैमरेज आपको यूज़ करने को मिले और आपके लिंक्स बनने शुरू हो जाएंगे और आपको खुद को भी प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जिससे आप और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। तो आप कैमरामैन बनने के लिए आप सबसे पहले अटेंडेंट बने, अटेंडेंट बनने के बाद आप किसी के असिस्टेंट बने, असिस्टेंट बनने के बाद आप ऑब्वियसली आप डीओपी बन जाएंगे, डायरेक्टर ऑफ पिक्चर्स बन जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विनोद प्रधान करके मुंबई में एक शख्स हैं जो कि डीओपी हैं, बहुत बड़े कैमरामैन हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई आने वाले हैं, तो आप फिल्म लाइन के किसी भी व्यक्ति को अगर पूछेंगे कि विनोद प्रधान कौन है तो वो आपको बता देंगे। बहुत बड़े डीओपी हैं और बहुत सारी फिल्में उन्होंने शूटिंग की है, बहुत सारी फिल्मों की उन्होंने शूटिंग में कैमरा को ऑपरेट किया है, कैमरा को चलाया है, तो बहुत बड़े हैं वो। उनके साथ असिस्टेंट बन के हज़ारों बच्चों आज डायरेक्टर ऑफ पिक्चर्स बने हुए हैं, आज डीओपी बने हुए हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ आपको कि आप किसी को भी वहां जाकर विनोद प्रधान के बारे में पूछें तो आपको वो बता देंगे कि उनके पास हजारों स्टूडेंट्स आए, असिस्टेंट बने और आज डीओपी बनकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप डीओपी जरूर बन सकते हैं, आप बिल्कुल निराश मत होइएगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि आप सबसे पहले अटेंडेंट बने, अटेंडेंट कहाँ बनेंगे आप पॉइंट समझें, रेंटल हाउसेस में जाएं, वहां जाकर अपना रिज्यूम दें और अटेंडेंट की जॉब करें। अटेंडेंस से आपको कैमरे के पास रहने का मौका मिलेगा, आप कैमरे के साथ जाना शुरू कर देंगे, जहाँ पर रेंट पर कैमरा जाएगा, अलग अलग कैमरामैन से आपकी मुलाकात होगी, किसी कैमरामैन के साथ आप असिस्टेंट बन सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। 2-4 महीने आपकी अच्छी नॉलेज होने के बाद आपको सैलरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी, अच्छे खासे आप पैसे कमाने शुरू कर देंगे। तो इससे आपकी चेन बनती जाएगी और आप एक दिन डायरेक्टर ऑफ पिक्चर्स यानी डीओपी बन जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी। कुछ भी मन में क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, रवि वर्माने के नाम से मेरी आईडी है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर एक व्यक्ति जो डीओपी बनना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता रहे कि आपने मेरी वीडियो को देखा है और मेरी वीडियो को पसंद किया है। मुझे भी मोटिवेशंस मिलती हैं जब आप लोग लाइक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही सपोर्टर प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।